हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं भास्करनंद जोशी ब्लॉग। और जो आज का मौसम है, कुछ बादल लगे हुए और जो धूप भी है वो एकदम चटक है। तो दोस्तों, देखा जाए तो अभी अभी मौसम ने करवट बदल ली है और आसमान एकदम घिर चुका है। और पहले कुछ धूप आई हुई थी। निधि जा रहे हैं दीदी को लेने, तो दीदी अभी आ रही बाजार से इसके लिए कुछ चीज लेके आने वाली है। बेटा, क्या लाने वाली है तेरे लिए? कुछ पता है? पता नहीं है तो चीज का कुछ भी ले आएगी दीदी। तो देखते हैं क्या लेके आती है दीदी। तो अभी क्या? हाँ बता। अच्छा, क्या एक बार बोलो? मेकअप। तो दोस्तों, मेरा मेकअप आने वाला है। तो निधि कह रही कि हमारा मेकअप आने वाला है, देखते हैं क्या आता है आज। निधि घर में अकेले है तो उसको आनंद। हाँ, और लेकिन दिन भर करती क्या है? नाच। इधर देख के बताओ। नाच नहीं करती, दिन भर टीवी देखती है। आज नहीं देखती? आगे नहीं देखती। नदी तक कैसा? तो ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। और बेटा, कल ये अकेले मत जा। कल पता है क्या हुआ था? हाँ, कल दिन में कितना, 11:40 में हमारे गांव में बाघ आ गया कल। तो बेटा, अकेले नहीं जाना है इधर उधर। रात को भी आता है, सुबह ना सुबह भी आता। बेटा, बाघ अगर ले जाएगा तो क्या होगा? रात को भी आता है, सुबह भी आता। तो बिटिया कह रही कि रात को भी आता है, बाघ सुबह भी आता है। देखे जाए तो बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, बैगनी कलर के फूल है, बहुत ही सुंदर। और हमारी निधि को भी पसंद आ गए। और ये है बेसिन का पेड़, और ये है झिटालू का पेड़। झिटालू की बंदूक, अनाड़ी की गोली कहते हैं उसका पेड़ है। और ये है कैरू का पेड़। और हमारी बिटिया उधर कुछ फूल तोड़ने लगी, वो जो अभी बैगनी वाले फूल बताए मैंने। तो वहां भी है, वहां भी है। नाचते हुए जा रही, नाचते हुए दीदी को ढूंढने। अच्छा, उछलते हुए, नाचते नहीं, उछलते हुए जा रही। ठीक ठीक, क्या आ गई बेटा? तो निधि कह रही कि नदी आ गई, नदी के नजदीक हम पहुंच गए हैं। क्या आ रही आज? बारिश अभी नहीं आई। तो मेरी बिटिया कह रही कि मैं छाता लाना भूल गई हूँ कि बारिश आ रही। बारिश तो आई, कोई बात नहीं। तो ये है कोसी नदी। तो कोसी नदी में चल रहा है कुछ ना कुछ काम धंधा। तो निधि दौड़ते हुए पानी को देखने जा रही है। मछलियां भी दिख रही है? अच्छा, दीदी को तो इस पानी में मछलियां दिख रही। मछलियां देख तो क्या दिखा बेटा? दिखे कितनी कितनी है? ओह, इतनी इतनी मछली है तो कहां पर देखते हैं। तो पानी में अब मछलियां ढूंढी जा रही है। वो छोटी-छोटी दिख रही है? हाँ, एक मछली का बच्चा दिख गया। तो हम बहुत सारी मछलियों की बच्चे देख लिए हमारी बिटिया ने, और मेरे को भी दिखाई। तो बेटी कह रही मैं मछली देखने जा रही हूँ और नदी में पानी है नहीं। दिख रहा है? तो निधि वहां पर नाचने लग गई है, ये बंदर के जैसे उछल कूद कर रही है। तो कल जो दिन में हमारे गांव में आ गया था बाघ, तो बाघ की ऐसी गर्जने की आवाज ऐसी लग रही थी कि कहीं वो हमारे जो जानवर हैं उन पर झपट न जाए, क्योंकि जानवर चरने जाते हैं ना। तो इस वजह से कुछ डर भी लग रही थी। लेकिन आज घर वाले ग्वाला गए हैं गाय बच्चों के, और वो हम जंगल में तो हांकते नहीं है गाय बच्चों को, लेकिन वही सामने तो, लेकिन खतरा ज्यादा बना हुआ है क्यों आजकल बाघ का। और जो बाघ है आजकल दिन में ही आ जा रहा है। और सामने हमारी बिटिया आ गई है, दीक्षा दीदी, और निधि खुश हो गई है। दो बैग, तो आज दीदी कुछ खास चीज लेके आई है लग रहा। अरे, ये हाथ में क्या है? क्या है? गुड़ पट्टी। दो दो बैग दिख रहे हैं बेटे, वो दो बैग लिए। अच्छा, अरे वाह, ये मेरी बिटिया के लिए आज वो लाई है बैग, बहुत ही सुंदर। घूमो तो दिखाओ तो। वाह, बहुत सुंदर बैग ये। तो बिटिया क्या लाई? एक गुड़ पट्टी मेरे को भी, दोनों मेरे को दे दिए। तो ये किसने खाना है? किसने खाना है? अच्छा, एक खुशी दीदी के लिए और एक मेरे लिए। खुशी कहाँ है अभी? तो वैसे ही कह रही है गुड़ पट्टी। अरे, बहुत ही है।
चलो चला फिर घर की ओर, गुड़पट्टी खा लू मैं। वो चलते बंदर की तरह घर को जा रही है। और दीक्षा दीदी ये हैं सामने गांव का व्यू देखो कितना सुंदर है। आप कॉलेज भी गए तो अच्छा, तो वहां क्या चल रहा था कॉलेज में? कैंप चल, अच्छा तो नशा मुक्ति का चला था। और दीक्षा दीदी कुछ पर्स में कुछ ढूंढ रही हैं, क्या है कुछ खास है? तो बिल जमा कराई, तो आज हमारी बिटिया बिल जमा कराई, बहुत सुंदर काम किया इन्होंने, तो हम प्रसन्न हैं बेटा। क्योंकि परसों बिल जमा करने के दिन तो मेरे पाँव में कुछ चीज भी लाई है। क्या लाई है? तो आप दीक्षा दीदी ने दिए निधि को क्या मिले बेटा? कितने मिले हैं? एक ही पैकेट मिला, दो तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं, हैं मैं भी खाऊंगा। ब्रेड पकौड़े बनेंगे वाले इनके, क्या बनेंगे? ले ब्रेड पकौड़े। कैसे खाएगी? तो बच्चे कह रहे कि ब्रेड पकौड़े बनाए, तो देखते हैं समय मिलेगा तो आज नहीं तो कल बनाएंगे। कुछ का अर्थ होता है झाड़ू, चूहे मारने की दवा लाने। गुड, अरे आज तो चूहे मारने की दवा भी आई, दिखाई कहाँ है, दिखाई है। आज मैंने 4 चूहे मारे। तो हमारे गाय बच्चे देखो इतने दौड़ के आ रहे हैं, लग रहा है जो बाघ आया था ये आजकल, मतलब ये देखो पेट भी भर के आ रहे हैं, लेकिन ये बाघ की डर से इनकी चाल कुछ खड़ी होगी एकदम तेज। और सामने हमारी राधा भी आ गई है, तो राधा ये आ गई। तो ये क्या है निधि? अच्छा बिजली का बिल। आज बच्चों के लिए थोड़े से पॉपकॉर्न भी बनाए और बच्चे खुश हो गए हैं। और सबसे ज्यादा खुश हमारी निधि है, क्योंकि आजकल वो अकेले घर में है और उसी के लिए सेवाएं ज्यादा चल रही हैं, नहीं तो नाराज हो जाती। कुकर पकड़ के बैठ गई है अब, कुकर पकड़ के बैठ गई मेरी बिटिया। दीदी को नहीं देगी? हाँ देगी, अभी आएगी। प्लेट दूं? देता हूँ। डाड़ू और डाड़ू से निकाल ली है दीक्षा दीदी के लिए। तो बहुत काम करती मेरी बेटिया, वाह बहुत सुंदर। अच्छा मम्मी ने तो तुम्हारे लिए निकाला और तू दीदी के लिए निकाल ली, अब इसको बंद कर देती है। ठीक है जाओ दीदी को दे आओ। तो बिटिया गई दीदी को देने के लिए, तो बिटिया पहुंच गई यहाँ पर, तो दे दिया दीदी को। गुड, तो दीदी को दे दिए पॉपकॉर्न, अच्छे हो रहे। किसने बनाया? दीदी ने बनाया के? तूने बनाया? अरे बहुत अच्छी, अब तो बड़ी होगी मेरी बिटिया। गैस किसने खोली? मम्मी ने। गैस मम्मी ने खोली और पॉपकॉर्न आपने बनाए। जी को धुआं लग गया लग रहा। और सर कहाँ तक घूम के आए आप? बाजार तक। बहुत सुंदर, तो बड़ी सुंदर हमने आग जला रखी यहाँ पर, ठीक है ना? जो गिन लग रखी, गिन गुने भाई ने, जो झड़ बड़ी में लागने भाई। तो दीप सिंह जी आ गए, आज मौसम कैसा हो रहा सर? बिरयानी बनेगी, तो आज क्या बनने वाला है? बिरयानी। गुड यार, बहुत सुंदर। और कैसा हो रहा मार्केट के हाल? बस ठीक है, आइए आप बैठिए। आज ठंडा बहुत हो रहा, तो आज क्या बना रहे सर आप? आज कुछ नहीं बनेगा, शाम का समय है। और हमारी बिटिया कह रही है कि जो गाड़ियां दिख रही हैं वो कैसी दिख रही, रंग बिरंगी। तो बिटिया को दिख रही रंग बिरंगी गाड़ियां। तो आज का मौसम भी बहुत घनघोर हो गया ना बेटा, बारिश होगी? बताइए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आसमान लाल होगा, बारिश होगी, वाइट। वाह बहुत ही सुंदर। आसमान की ओर देख लिया, लेकिन आसमान में बादल घिर चुके हैं बेटा। अरे बिटिया नाची के चा, बिटिया नाची के चा, चम 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 चम। और नाचो 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 बिटिया नाची नाचो। टोकरी घर कर लाई, टोकरी टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। हाँ दाम नहीं, पूछना का टोकरी।
चौधरी हमें बुलाती चौधरी हमको देती आम है नहीं बताती दाम है रसोई घर के खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे अंदर देखा चकला बेलन चाकू छन्नी बोल रहे हैं मैं चाकू सब्जी फल टुकड़ा टुकड़ा सबको बाटू गाजर मूली प्याज टमाटर सजा कर गोल चांद सी हूँ मैं थाली बनकर बन सकती हूँ थाली मुझ पे रोटी सब्जी दाली और सभी ने चेक खाई। तो आज है गोभी आलू की सब्जी और मडवे के रोटी और उसमें घी, बहुत ही आनंददायक।